जैसे ही पहली गेंद ब्लॉक होल में डालने की कोशिश की थी, सिक्सर खाई, फिर समझा सोचा और स्थान के ऊपर गेंद को डाला और बढ़िया वेरिएशन यहाँ पर, लेकिन खराब गेंद, मैं कहूंगा इस बार खराब गेंद, जी हाँ नो बॉल करार देंगे। काफी हाइट थी गेंद में, वेरिएशन जरूरी है। बलदेव कंबोई जो कि एक अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर, चेतन तुम लंबे हो भैया, तुम होते तो नो बॉल नहीं होती, लेकिन ये थोड़े कद में नहीं है उसके चलते नो बॉल है। और फिर से एक बार उठा है पीछे फील्डर, लेकिन काफी दूर रह गए, भाग्यशाली रहे। ये लॉन्ग ऑफ के फील्डर को भाग के आना चाहिए था, लेकिन गेंदबाज खुद उसके पीछे भागे, उसके चलते कैच लपकने में नाकाम रहे। अगर ये कैच होता तो बड़ी मछली जाल में फंस सकती थी। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं अभी तक। और यहाँ पर फूलतो नीचे फील्डर, और इस बार गलतियां नहीं करेंगे, विकेट का पतन, और ये लगने वाला दूसरा झटका। और सागर भाई वाला जो कि अच्छे कमेंटर भी है, और यहाँ पर फील्डिंग भी अच्छी कर रहे हैं, गेंदबाज भी अच्छे हैं। न्यू बल्लेबाज के रूप में महेश तातियाना, ओहो महेश भाई पहुंच रहे हल्के हल्के कदमों से, हट्टे कट्टे हैं। अगर बैट पे गेंद आ गई तो समझो 6 रन के लिए जाएगी, और हमारी भाषा में कहे लगा तो दी नहीं तो रामा फिर। और खराब गेंद, लो फुल टॉस डालने की कोशिश की थी, और गेंद सिमारे का बाउंड्री के बाहर, 6 रनों के लिए, दोनों एम्पायर के भुजाए हवा में। और सिक्सर, मैंने पहले ही कहा कि लगा तो तीर, यहाँ पर तो लगा तीर भैया, 6 रनों के लिए 34 रन बने हैं, 3 ओवर 5 के बाद 34 बने हैं। और हक्के कटे हैं महेश भाई, आते ही अपना अंदाज पेश कर दिया है यहाँ पर, फिर से फुल टॉस और गेंद हवा में, नीचे फील्डर खतरा हो सकता है, और ये आसान सा कैच दे बैठे, और यहाँ पर फ्लाइट को वापस जाना होगा। शानदार गेंदबाजी कहूंगा बलदेव की आज यहाँ पर, जितनी भी तारीफ जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम।